सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का दिन बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूजा और व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत के दौरान महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनका व्रत खंडित हो सकता है। आइए जाने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से व्रती महिलाओं को करवा चौथ के दिन कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पंडित संजय उपाध्याय ने बताया, करवा चौथ का व्रत बेहद कठिन होता है। इस व्रत के दौरान शास्त्रों में भी कई सारी चीजें की मनाही है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को इन 5 चीजों से जरूर परहेज करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन या व्रती महिलाओं को उनकी सास द्वारा सर्गी दी जाती है। इस सर्गी को सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए। उसके बाद सूर्योदय होने के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हालांकि इस दिन काले, नीले और सफेद रंग की साड़ी भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। करवा चौथ के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। याद रहे, व्रती महिलाओं को गलती से भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। करवा चौथ के दिन पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वो खुश और प्रसन्न मन से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं देती हैं। करवा चौथ के दिन पूजा के साथ माता गौरी की कथा भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है।